हेलो गाइस, कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? कमेंट में बताइए। अब मैं आपको एग्ज़ाम सेंटर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती हूँ। आप अपने बैग के साथ एंट्री कर सकते हैं और आपको वो क्लास में रखने का स्पेस देते हैं। देन आपके पास हॉल टिकट ज़रूर होना चाहिए और आधार कार्ड और आईडी प्रूफ में से आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए हमारे पास दो शिफ्ट्स होते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नहीं थे, तो ऐसा कुछ कोविड का प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम रिव्यू देखते हैं कि कैसा एग्ज़ाम आया था BEGC 134 रीडिंग द नोवल। गाइज, वेलकम टू माई चैनल। तो जैसे कि हम सबको पता है, 9 मार्च को इग्नू ने पेपर कंडक्ट किया था BEG 134 रीडिंग द नोवल। तो इसका हम पैटर्न देखते हैं, किस तरह से इसका लेवल आया था, कितना हार्ड था, कितना ईजी था, कहाँ से ये पेपर बनाया गया था, बुक में से था कि ये असाइनमेंट्स में से था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो थे नहीं। तो देखते हैं। टाइम इसका 3 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, और सेक्शन हमारे पास में 3 हैं। तो इसमें देखिए, फर्स्ट सेक्शन में लिखा हुआ है नोट्स ऑन एनी फोर, मतलब आपको टोटल इसमें 60 हुए हैं और आपको नोट्स किन्हीं फोर पे बनाने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास टाइम इन योर नोवल। तो जब मैंने आप वीडियो बनवाई थी लास्ट BEGC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, उसमें मैंने आपको ये टिक करवाया था पेज नंबर 9 पे, टाइम इन योर नोवल इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन राउंड कैरेक्टर्स, कैरेक्टराइजेशन के दो वो जो थे वो मैंने आपको टिक करवाए थे, टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, स्टाइल्स, ये सब कुछ ज़्यादा थ्रूली डेफिनेशंस नहीं आई है, जो मेन मेन टॉपिक्स थे वही आए हैं, इतना अंदर से डीपली नहीं दिया गया हुआ है। देन हमारे पास है पोस्ट कॉलोनियल नोवल एंड देन एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी नोवल। देन हमारे पास है सेक्शन बी, इसमें से आपको एनी 2 क्वेश्चंस करने हैं जिसके मार्क्स हैं दोनों क्वेश्चन के ईच 10, और पहले वाले क्वेश्चंस के मार्क्स थे जिसमें 5। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द यूज ऑफ सिम्बोलिज्म इन द अवेकनिंग। ये मैंने आपको टिक करवाया था, द अवेकनिंग स्टोरी जो है उसका ये वो है क्वेश्चन, और ये मेन हेडिंग थी, ये मैंने भी आपको टिक करवाई थी, तो आप वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेन मेन हेडिंग में से आया है। देन हमारे पास है कमेंट ऑन द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स एज रिप्रेजेंटेड इन पराजा, जो हमारी दूसरी नॉवल थी पराजा, उसमें हमें क्या बताया हुआ है। देन हमारा 9th क्वेश्चन है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द नाइजीरियन नॉवल इन इंग्लिश। नाइजीरियन नॉवल है जो हमारी नोवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, उससे पहले इसका जो हमें टॉपिक दिया हुआ है वहाँ से आया है। देन हमारे पास वुड यू एग्री दैट देयर आर मैनी फॉग एलिमेंट्स इन थिंग्स फॉल अपार्ट, ये भी आपको फॉग का सीधा सीधा मेन टॉपिक है। तो इसमें टोटल 4 है और उसमें से आपको कोई 2 करने हैं, सारे नहीं करने, सिर्फ 2 करने हैं। देन हमारे पास है सेक्शन सी, इसमें से हमें एनी 3 करने हैं टोटल 5 में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट अ फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ द अवेकनिंग, ये पेज नंबर 35 मैंने आपको टिक करवाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, और ये मेन हेडिंग है द फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ द अवेकनिंग, ये वहीं से आया है। एग्जामिन द मैन वुमेन रिलेशनशिप इन थिंग्स फॉल अपार्ट। देन कमेंट ऑन द सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन पराजा, हु इज अ सबाल्टर्न, इज देयर अ सबाल्टर्न वॉइस इन पराजा, डिस्कस, ये भी मैंने आपको टिक करवाया था कि मैंने आपको बोला था कि ये ज़रूर ज़रूर आएगा, इसको प्लीज़ कर लें, तो ये वहीं से आया है। देन है राइट अ ब्रीव एसे ऑन द क्रियोल बैकग्राउंड इन द अवेकनिंग, ये पेज 15 पे आपको मैंने टिक करवाया था। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि पेपर इतना हार्ड नहीं आया है, इतना डीपली आपसे नहीं पूछा गया है, सिंपल आपसे जो मेन टॉपिक्स थे वो पूछे गए हैं, और आपको हर सेक्शन में चॉइस भी दे रखी है, तो चॉइस मिलने के बाद और इजी हो जाता है करना, क्योंकि जो क्वेश्चन हमको अच्छे से आ सकते हैं हम वो कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि BEGC का पेपर जो पैटर्न है उसका कहाँ से आया है। सबसे पहले तो जो बुक के मेन टॉपिक्स हैं वो हमें वहाँ से हमें स्ट्रेट क्वेश्चंस आए हैं। देन हम ये भी मान सकते हैं कि असाइनमेंट्स में भी हमको क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस असाइनमेंट्स में भी थे, तो असाइनमेंट्स में भी हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये दोनों चीज़ जो आपको मेन टॉपिक्स हैं, जो मतलब मेन टॉपिक से कहने मतलब है जो मेन हेडिंग होती है एक यूनिट में वो, और अगर हम इसका लेवल देखें तो गाइज ये लेवल इजी में आता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ तीनों नोवेल की समरी भी पढ़ के जा सकते तो भी आप इनका आंसर कर सकते थे। जैसे कि ये क्वेश्चन है प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स रिप्रेजेंटेड इन पराजा, तो अगर आपको स्टोरी पता थी तो ये आप आंसर इजी से लिख सकते थे। देन हमारे पास है फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ द अवेकनिंग, अगर ये आपको नहीं भी आता था तो भी अगर आप उसमें समझ आता है कि किस तरह से एक फीमेल को किस तरह से सोसाइटी में
बिहेव किया जाता है, तो आप ये क्वेश्चन भी लिख सकते थे अगर आपको स्टोरी पता होती। देन यहाँ पे व्हाट इज सबाल्टर्न वॉइस, ये भी अगर आप नोवेल पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें इस वर्ड का यूज़ है। देन द ब्रीफ एसे ऑन द क्रियोल बैकग्राउंड इन द अवेकनिंग, ये क्रियोल थोड़ा वर्ड अगर नहीं पता है तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ओवरऑल पेपर उतना हार्ड नहीं है, तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि BAG में पेपर इतने हार्ड नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम अच्छे से थोड़ा टाइम लगा के पढ़ेंगे तो पेपर में हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। BAG का 100 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स हमको मिलते हैं। ओके गाइस, तो ये था पेपर। अब नेक्स्ट पेपर है 15 को, उसके लिए मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।